हाथरस कांड के विरोध में पूरे देश में लोगों में गुस्सा है। मेरठ आज वाल्मीकि समाज के लोगों ने नगर निगम कर्मचारी संघ बैनर तले एक दिवसीय सांकेतिक काम बंद और हड़ताल पर है। नगर निगम में ही लोग हड़ताल पर बैठे हैं। लोगों ने योगी सरकार से और हाथरस प्रशासन को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि मृतक के चार दोषियों को फांसी पर लटकाकर उसे इंसाफ दिया जाए। कहा कि वो लोग दोषियों को फांसी दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। साथ ही उनका कहना था कि उन्होंने हाई कोर्ट में एक अपील भी दायर की है। नगर निगम कर्मचारियों के हड़ताल से सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। आपको बता दें कि हाथरस गैंगरेप कांड की पीड़िता वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखती थी। इस जघन्य अपराध से देश भर के वाल्मीकि समाज में सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है। घटना को लेकर हम लोग आंदोलन पे आज सुबह से सफाई का चक्कर जाम है, क्योंकि जब तक घटना तो हो गई चार लोग दो गिरफ्तार भी हुए। देखिए गिरफ्तार जो हो टुकड़ों में हुए, बारी बारी से गिरफ्तार, उसी दिन गिरफ्तार क्यों नहीं गया? जिस दिन घटना घटी अगली घटना घटी, आज पूरा देश प्रदेश के अंदर यह धरना प्रदर्शन नहीं होता। गुनहगारों को पूरा छूट दी गई, उन्हें बचाने का प्रयास किया गया है। आज वो बेटी जो मरी, इस शासन हाथरस के शासन प्रशासन वो प्रदेश सरकार की वजह से वो बेटी मरी है, जिसकी घर उजला है, उससे बुजुर्ग माता पिता से बुजुर्ग जिसने पैदा की वो पैदा हुई जवान बेटी वो मर गई, उस पर उस घर पर क्या बीती होगी ये तो वो बताएगा। आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उस बेटी की के लिए, जब तक उसको पूरा इंसाफ नहीं मिल जाएगा ये बराबर प्रदर्शन हम लोगों का जारी। और आज मैंने हाई कोर्ट में अपील अपनी दायर कर दी है उस बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए। चारों को फांसी की सजा हम लोग दिलाकर रहेंगे, चाहे हमें कौन सी भी हर्जा, चाहे हमें किसी भीख भी मांगनी पड़ जाए।